तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार की तानाशाही हाय 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 हाय। प्रदेश सरकार हाय हाय करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपेश बघेल हाय 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 हाय। भूपेश बघेल हाय हाय की वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म। हमारा पक्ष सुना, हमारा समर्थन किया और ये उनके द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी, किसानों के साथ अन्याय को न्याय में तब्दील करेंगे, किसानों को चार गुना मुआवजा भी देंगे, पुनर्वास भी देंगे। और आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद समय 190 पृष्ठ का साक्ष्यमय आवेदन उसको टीएस बाबा को दिए, वो ये कहता है कि 4 गुना मुआवजा आपको मिलेगा। मगर कैसे मिलेगा? वह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है जिसको राज्य सरकार पूर्ववर्ती ने नगरी क्षेत्र घोषित किया है, तब उनके द्वारा समय दिया जाता है और समय उस दिन दिया जाता है हम किसानों को जिस दिन उसको दिल्ली जाना होता है, जिस दिन उसको विदेश जाना होता है। ये बड़ी विडंबना है। ये बताइए, आप लोग जो 3 तारीख से पूरी आगे पीछे उसकी तारीख तय होगी? उसकी तारीख अभी हम 27 और 28 के बीच में इसी महीने में महापंचायत का अभी तत्काल चर्चा उपरांत घोषणा करेंगे। ये नया हमने विकल्प चुना है, आंदोलन का तिथि तो तय है, उसके पहले महापंचायत का। राष्ट्रीय नेताओं से भी कल हमने निवेदन किया है, अभी तक हमें आएंगे ऐसा कहा गया है। लेकिन राकेश टिकैत जी और शिव कुमार कक्का जी दोनों से हम कल मिले हैं। सीधे ये बताइए, 3 तारीख से जो आंदोलन कर रहे हैं जी, वो आप लोग का धरना तो रहेगा ही जी, लेकिन नेताओं को क्या नया रायपुर प्रवेश करने दिया जाएगा या 3 तारीख से वो भी बंद कर देंगे? नहीं, वो भी उसी तारीख से होगा। यदि हमें पता चलेगा कि नेता इस गाँव में किसी उनके कार्यकर्ता के द्वारा बुलाया गया है, तो हम वहां से हमारे किसानों के द्वारा उनका विरोध, काला झंडा और जूता का हार पहनाने के लिए हम जाएंगे। ये हमने ठान लिया है। जब तक परिचय दे देंगे, मैं रूपन लाल चंद्राकर नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।